दिवाली का बम्पर गिफ्ट, किसानों को सरकार का तोहफा, मोदी सरकार जारी करेगी पीएम किसान योजना की नई किस्त। देश के किसानों को बहुत जल्दी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त मिलने वाली है। अभी तक केंद्र सरकार ने 14 किस्त जारी किए हैं। इसके तहत हर 4 महीने के अंतराल पर किसानों को 2000 रुपये दिए जाते हैं, यानी कि सालाना 6000 रुपये सीधे अकाउंट में भेजे जाते हैं। अगर आपने अभी तक इस योजना में आवेदन नहीं किया है तो पीएम किसान योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर कर सकते हैं। 15वीं किस्त के लिए रजिस्ट्रेशन। पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त जुलाई में जारी की गई थी और अब 15वीं किस्त नवंबर के आखिरी में जारी होने की उम्मीद है। ऐसे में जिन किसानों ने अभी तक योजना के तहत ईकेवाईसी नहीं कराया है वो जल्द से करा ले, वरना 15वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। ईकेवाईसी कराने के लिए आपको आधार कार्ड और आधार लिंक मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी। पीएम किसान योजना देश के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से सहायता पहुंचाती है। इसका उद्देश्य किसानों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करना और प्रत्यक्ष आय सहायता सुनिश्चित करना है, ताकि किसान अपनी कुछ ज़रूरतों को इस रकम से पूरा कर सकें और उन्हें अतिरिक्त आय प्राप्त हो। किसानों के खाते में 14वीं किस्त की रकम आ चुकी है और अब उन्हें 15वीं किस्त का इंतज़ार है। इसी कड़ी में सरकार की ओर से बड़ा अपडेट आया है। दरअसल सरकार ने 15वीं किस्त के लिए पंजीकरण काफ़ी दिनों से प्रारंभ कर रखा है। इसके लिए योजना के लाभार्थी किसान पीएम किसान सम्मान निधि की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। कैसे भरें पंजीकरण फॉर्म। पीएम किसान की वेबसाइट के मुताबिक ईकेवाईसी कराना पीएम किसान रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स के लिए अनिवार्य है। ओटीपी बेस्ड ईकेवाईसी पीएम किसान पोर्टल या नजदीकी सीएससी केंद्र में जाकर कराया जा सकता है। किसान पंजीकरण फॉर्म भरने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इच्छुक किसान अपना नाम, पता, बैंक खाते की जानकारी और भूमि स्वामित्व विवरण सहित अन्य चीज़ों को भरकर दे। इसके बाद प्रदान की गई जानकारी की समीक्षा करें और पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें। जब आपका पंजीकरण फॉर्म सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा तो आप पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट विजिट कर अपने आवेदन की स्थिति जांच सकते हैं। संबंधित अधिकारी आपके भरे हुए विवरण को सत्यापित करेंगे। इसके बाद आपका नाम पीएम किसान लाभार्थी सूची में जोड़ दिया जाएगा। एक बार जब आपका नाम पीएम किसान सम्मान निधि लाभार्थी सूची में जुड़ जाता है तो आपको रुपए की आय सालाना मिलनी शुरू हो जाती है। लिस्ट में चेक करें अपना नाम। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनका नाम बेनिफिशियरी लिस्ट में होगा। अगर आप भी पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं और लिस्ट में अपना नाम चेक करना है तो बड़े आराम से आप इसे चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि की आधिकारिक वेबसाइट www.pmkisan.gov.in पर क्लिक करना होगा। इसके बाद दिए गए किसान कॉर्नर में जाएं, वहां से लाभार्थी सूची या बेनिफिशियरी लिस्ट में क्लिक करें। इसके बाद राज्य, जिला, उपजिला, ब्लॉक, गांव का चयन कर लें। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आप रिपोर्ट प्राप्त करें टैब पर क्लिक कर दें। आपके स्क्रीन पर पीएम किसान योजना के लाभार्थी की सूची आ जाएगी। इस सूची के क्रम के हिसाब से आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। कब जारी होती है किस्त। पीएम किसान योजना की किस्त साल में 3 बार जारी की जाती है। साल की पहली किस्त अप्रैल से जुलाई, दूसरी अगस्त से नवंबर और तीसरी दिसंबर से मार्च के बीच में जारी की जाती है। किस्त की रकम सीधे किसान के खाते में भेजी जाती है। गौरतलब है कि पीएम किसान योजना के लाभार्थी किसानों को साल में 3 बार 2000 रुपये की किस्त में 6000 रुपये मिलते हैं। केंद्र सरकार की ओर से सभी लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में सीधे 2000 रुपये की रकम डाली जाती है। हालांकि योजना के पात्र होने के लिए किसानों को कुछ मानदंडों को पूरा करना होता है। योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो छोटे या सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं। वैसे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य भूमि हो उन्हें योजना का लाभ मिलता है। बड़े और समृद्ध किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि है, साथ ही संवैधानिक पद रखने वाले व्यक्ति, केंद्र और राज्य सरकार के सेवानिवृत्त और सेवारत अधिकारी और कर्मचारी जो आयकर भुगतान करते हैं, वैसे किसानों को योजना के लाभ से बाहर रखा गया है। इस रिपोर्ट में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और अपने काम की खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।